सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. आज 31 जुलाई 2019 वेनसडे है, सुबह के 8:21 हो रहे. कल और परसों के दिन यानी इस वीक के लगातार दो दिन यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है. स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हो चुका है और 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज भी कल इसके नीचे क्लोजिंग मिला है. तो अभी आगे सपोर्ट लेवल्स क्या बन सकते हैं, प्रेशर मार्केट में बना हुआ है. हालांकि ये जो फॉलिंग मार्केट है ये ट्रेडर्स के लिए काफी जबरदस्त है, काफी जबरदस्त ट्रेडर्स का प्रॉफिट बन रहा है और जो इन्वेस्टर्स है एसआईपी करते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा है, काफी एवरेजिंग हो सकता है उनका पोर्टफोलियो. इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो हाई लेवल पे यानी जब मार्केट टॉप कर रहा है जब तभी एंट्री जो लेते हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है. हालांकि ये जो फॉलिंग मार्केट है यहाँ पर स्मॉल इन्वेस्टर बिग इन्वेस्टर्स को फिर से एक बार यहाँ पर मार्केट में जमकर पैसा लगाने का एक मौका होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और ट्रेडर्स के लिए तो फॉलिंग मार्केट में काफी शानदार प्रॉफिट्स यहाँ पर बनते हैं. तो आज अभी निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं सपोर्ट के ये आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं. ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है. अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो ट्रेडिंग फैब के जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री में मिल सकती है. आपको सिर्फ यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है, यहाँ पर क्लिक करना है उसके लिए और जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करके सबमिट करना है. और जैसे ही आपके अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको हमारे मोबाइल नंबर पे आपको कॉल करना है ताकि आपका क्लाइंट आईडी हम वेरीफाई करके आपको प्रीमियम चैनल्स में ऐड कर सके. ठीक है, तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं. कल का वीडियो अगर आपने हमारा देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको यहाँ पर उसकी लिंक मिल जाएगी. ये 30 जुलाई 2019 का पिक्चर है, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. कल हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,217 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,151. काफी जबरदस्त वोलेटाइल मूव था और बिग मूव था. ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. कल निफ्टी इंडेक्स हमारा ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसी के पास ऑलमोस्ट ओपन हुआ और जैसे ही टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ा तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,236 और सेकेंड टारगेट 11,255 ये अचीव्ड हुआ और इसी के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और टुवर्ड्स साउथ की तरफ मूव होने लगा. और जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल भी हमारा ब्रेक होता है तो हमारा ये जो फर्स्ट टारगेट था टुवर्ड्स साउथ की तरफ 11,124 ये भी अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट 11,102 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ. तो कल जबरदस्त ट्रेडिंग का मौका था, 70 पॉइंट्स का ट्रेडिंग का मौका था हमारे इस प्लान के अकॉर्डिंग और अगर 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 52,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल यूएस मार्केट नासडैक में थोड़ा प्रेशर दिखाई दिया, 19 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ. यूरोपियन बाजार भी लाल निशान में बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 44 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. निक्केई 200 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और सभी लाल निशान में एशियाई बाजार अभी इस समय ट्रेड कर रहे हैं. और डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल 64 पॉइंट की यहाँ पर बढ़त दिखा रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत है, प्रेशर अभी भी बना हुआ है. निफ्टी का क्या हो सकता है आज, इंट्राडे क्या लेवल्स हो सकते हैं ये देखते हैं. आज लास्ट डे है इस मंथ का तो वीकली चार्ट का भी एक बार एनालिसिस करते हैं. अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो जून का फिर मई का जो फर्स्ट डे होता है मंथ का वहां पर हम मंथली चार्ट का भी एनालिसिस करते हैं. तो हमने वहां पर एक बियरिश डाइवर्जन देखा था आरएसआई का, जो नए है उनके लिए मैं ये बता दूं, इसे बोल्ड कर देता हूं ताकि और अच्छे से दिखे. यहाँ पर प्राइस एक्शन में ऊपर हायर हाईज बना रहे और लेकिन आरएसआई में यहाँ पर लोअर हाईज बना रहे, प्रीवियस हाई के ऊपर आरएसआई हाई नहीं बना पा रहा है. तो यहाँ पर ये बियरिश डाइवर्जेंस है आरएसआई के जो कि हमें क्लियर इंडिकेशन देते कि प्राइस में फॉल आ सकता है. तो जैसे कि हम देख रहे हैं अभी यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में गिरावट है. तो अब ये गिरावट कहाँ तक
और ये बढ़ सकती है। एज पर मंथली चार्ट ये जो 20 ईएमए का ये जो पिंक लाइन है ये अभी अराउंड 10,900 के पास आ रहा है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो स्विंग हाईज बन रहे थे लास्ट टाइम 11,120 के पास और ये 11,750 के पास, ये ब्रेक हो चुके हैं। जो पास्ट में रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे वो अभी सपोर्ट का काम कर सकते थे, लेकिन ये भी अभी ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर 11,122 ब्रेक होता है तो ये नीचे 20 ईएमए का ये जो पिंक लाइन है 10,900 ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है, और अगर ये 20 ईएमए का अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पर और पैनिक मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा हमारा ये 50 ईएमए का ये जो ब्लू लाइन है। पास्ट में देख सकते हैं आप ये 20 ईएमए के पास आके बाउंस बैक दिखाता है, अगर 20 ईएमए ब्रेक होता है तो नीचे ये 50 ईएमए को टेस्ट करता है एज अ सपोर्ट और फिर बाउंस बैक दिखाता है। तो अभी इमीडिएट सपोर्ट होगा 10,900 का जो कि 20 ईएमए के पास है, और पास्ट में हमने यहाँ पर देखा था अक्टूबर 2018, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन चार पांच महीनों में यहाँ पर कंसोलिडेट होते रहा निफ्टी इंडेक्स। बजट था, इलेक्शंस थे, इससे पहले निफ्टी इंडेक्स में काफी कंसोलिडेशन फेज था, तो इस कंसोलिडेशन फेज का ये जो अपर बैंड का लेवल बन रहा है ये भी अराउंड ऑलमोस्ट 10,900 या 10,800 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है, ये अगर ब्रेक होता है तो नीचे 50 ईएमए तक निफ्टी इंडेक्स आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो भी देखे फंडामेंटली तो थोड़ा सा प्रेशर वहां पर भी दिखाई दे रहा है, और इंडिया की बात करें तो इकोनॉमिकल डेटा जो है वो भी कुछ खास नहीं आ पा रहा है। पॉजिटिव होप के साथ मार्केट आगे कहां तक बढ़ सकता है ये कहा नहीं जा सकता, फिगर्स भी पॉजिटिव रियल में दिखाई देने बहुत जरूरी है। तो ये है मंथली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं वीकली चार्ट में। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट, अभी इसने 50 ईएमए ये भी ब्रेक कर दिया है, इसके नीचे आके क्लोज हुआ है आप देख सकते हैं। तो एज पर वीकली चार्ट नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है ये जो 100 ईएमए का लाइन है, जहां पर पास्ट में भी इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था, और ये जो यहाँ से ये डाउन साइड से ये जो अपसाइड मूव आया है लो से लेके हाई तक, अगर हम इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इसका 50% का ये जो रिट्रेसमेंट का लेवल है ऑलमोस्ट अभी यहाँ पर अचीव्ड हो चुका है। तो 11,000 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन फेस था पास्ट में, यहाँ पर 10,800 के पास नेक्स्ट सपोर्ट है जो कि अराउंड 100 ईएमए के पास आ रहा है, 100 ईएमए भी अभी अराउंड 10,760 के पास है। तो अगर ये 11,000 के लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो 10,800 के पास नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल हो सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि ये 50% का ये जो लेवल है यहाँ से बाउंस बैक दिखे, पास्ट में भी यहाँ से ये बाउंस बैक दिखा था इसी लेवल के आसपास से, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक हो, अगर नहीं ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो नीचे 10,800 के लेवल हमें निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकते हैं। यह वीकली और मंथली चार्ट का सिनेरियो, डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे अभी ये क्लोज हो चुका है, तो यहाँ से और भी प्रेशर और गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर नहीं यहाँ से अगर ये बाउंस बैक दिखाता है तो ऊपर 11,300 का फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, जो कि ये जो ब्राउन लाइन है 150 डेज का मूविंग एवरेज है, ये भी अराउंड 11,336 के पास आ रहा है। तो अभी ऊपर अगर निफ्टी मूव करता है तो फर्स्ट इमीडिएट यहाँ पर रेजिस्टेंस 11,300 का होगा, 11,300 के ऊपर अगर कोई डिसीजिव मूव आता है तो चांसेस होंगे कि यहाँ से फिर से एक बार अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है। आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में चला गया है तो यहाँ से एक्सपेक्ट है कि बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन ओवरसोल्ड कैन बिकम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड, तो यहाँ से और भी अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 10,800 के लेवल हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं निफ्टी इंडेक्स में। डेली, वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस किया, सपोर्ट के लेवल्स एज पर डिफरेंट टाइम फ्रेम के चार्ट्स कहाँ पर आ रहे हैं ये हमने देखा। निफ्टी इंडेक्स का आज क्या इंट्राडे लेवल हो सकता है ये आइडेंटिफाई करते हैं। कल ये जो 2 और 3 के बीच में ये जो आर्ली चार्ट में ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना है
इसका लो अगर फिर से ये अगर ब्रेक कर देता है, यानी कल का लो ऑलमोस्ट 11,072 था, इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा, अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाते तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,044, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और 11,016 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, ये यहाँ पर। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है, टूवर्ड्स अगर ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो पहले तो इसे ये पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल होगा। और अगर ये जो लास्ट के हाफ एन आवर में ये जो डोजी टाइप का ये कैंडल स्टिक बना है, यानी ऑलमोस्ट 11,100 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा 11,122, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट 11,141, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूल। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।